अगर आप भी इस साल की बीबीडी सेल और जो है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में अगर एक आईफोन परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। हर साल आपने देखा होगा सेल में परचेज किए गए आईफोन जो है कैंसिल हो जाते हैं या फिर जो है कोई ऑर्डर ही नहीं कर पाता क्योंकि जो है काफी ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर वेबसाइट में आ जाता है। मैंने इस वीडियो में 7 स्टेप बताए हैं, अगर आप जो है इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप जो है 90% जो है आईफोन परचेज कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर माइंडसेट। आपको जो भी आईफोन परचेज करना है तो आपको पहले ये कंफर्म करना है कि इसकी सेल जो है आपको कौन से प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है उसी में जो है आपको ये भी चूज करना है कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना है, 128 लेना है, 256 लेना है। उसके बाद जो है आपको कलर का भी ध्यान देना है, आपको वो कलर परचेज करना है जिसकी जो है डिमांड कम है। अगर आप ज्यादा डिमांड वाला आईफोन परचेज करेंगे तो वो जो है जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा और आपको नहीं मिल पाएगा और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाए। दूसरे स्टेप में आता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। इनका जुगाड़ जो है आपको पहले से कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है, आपके दोस्त रिश्तेदार के पास किसी के पास है तो उनसे जो है आप पहले ले लेना। अगर आप चाहें तो अभी भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, सेल आने तक जो है आपका कार्ड आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आती है मेंबरशिप, यानी कि प्राइम मेंबरशिप, प्लस मेंबरशिप और वीआईपी मेंबरशिप। अगर आपके पास जो ये नहीं है तो आप जो है इस सेल में जो है मैक्सिमम डिस्काउंट में जो है आईफोन परचेस नहीं कर पाएंगे। आपको जो है इन मेंबरशिप को ले लेना है। अमेजोन में आपको प्राइम मेंबरशिप लेनी है, भले जो है आप 1 महीने के ले लें। फ्लिपकार्ट में अगर आपके पास जो है प्लस मेंबरशिप नहीं है तो आपको जो है वीआईपी मेंबरशिप ले लेनी है जो कि आपको काफी सस्ती पड़ जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे जो है वीआईपी मेंबरशिप लेते हैं तो आप जो है नीचे कमेंट में बता देना, मैं आगे जो है उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। मेंबरशिप लेने का फायदा ये मिलेगा कि आपके लिए जो सेल होगी ना 1 दिन पहले स्टार्ट हो जाएगी। चौथे नंबर पर आता है आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसको जो है आपको पहले से ऐड करके रखना है, भले आपका अमेजोन का अकाउंट हो या फिर जो है आपका फ्लिपकार्ट का अकाउंट। अगर आपने जो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का जो इंतजाम कर लिया ना तो इनको जो है आपको तुरंत इसको जो है आपके अकाउंट में ऐड कर लेना है जिससे आपको जो है रात में जब सेल स्टार्ट हो तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। पता लग रहा है आप जो है यहाँ पर कार्ड को ऐड करते रहिए और जो है सारे के सारे आईफोन है वो जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। पांचवें नंबर पर रखा है मैंने लैपटॉप और डेस्कटॉप को। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है अमेजोन और फ्लिपकार्ट की क्रैश ना हो तो आपको जो है आपके लैपटॉप या फिर जो है डेस्कटॉप को यूज करना है। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आपको ना आपके क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड में जो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन का अकाउंट ओपन कर लेना है जिसकी मदद से आप वहां पर जो है डेस्कटॉप मोड में जो है यहाँ पर परचेसिंग कर पाएंगे और जो है आसानी से आप जो है परचेस कर पाएंगे क्योंकि वेबसाइट जो है क्रैश जनरली नहीं होती। छठे नंबर पर आता है बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपके एरिया में 5G नहीं है तो आपको उस एरिया में चले जाना है जहाँ पर 5G है या फिर जो है किसी के पास फाइबर है तो आप जो है फाइबर उससे जो है इंटरनेट ले सकते हैं, वाईफाई ले सकते हैं कुछ देर के लिए जब तक जो है आप जो है आईफोन को परचेज नहीं कर देते। साथ में जो है आपको मल्टीपल अकाउंट से जो है यहाँ पर परचेज करने की कोशिश करनी चाहिए। सातवें नंबर पर आता है जिस फोन को आपको बाय करना है उसको जो है आप कार्ड में ऐड करें। तो उसमें जो आपको अगर एक्सचेंज करना है ना फोन पहले से ऐड करके रखें जिससे होगा कि जो आपका जो टाइम है ये बचेगा, आपको सीधा जो है कार्ड में है और सीधे बाय कर लेना है। इससे जो है आपका टाइम बचेगा और जो आपके जो सक्सेस रेट है आईफोन परचेज करने का वो जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप सक्सेसफुली आईफोन को परचेज कर लेते हैं जब आपके पास जो है डिलीवरी बॉय आए तो उसके सामने जो है आपको आईफोन की वीडियो बना लेनी है। इससे क्या होगा आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा और जो है जैसे आईफोन आपके पास आ जाए उसका EMI नंबर जो है आप एप्पल की वेबसाइट में डाल के चेक कर लेना जिससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा ये आईफोन जो है कहीं रिफर्बिश्ड तो नहीं है या फिर नया है या फिर जो पहले से एक्टिवेटेड तो नहीं है, इसकी जो है जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर यह सब सही होता है तो आप जो है आप अपने आईफोन को यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो में बताई गई जानकारी को आप जो इम्प्लीमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बैठे के रहना, ख्याल रखिएगा।